अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह आप लोग भी अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पॉपकॉर्न। आप, ठंडी का मौसम है तो ऐसे मौसम में खाना पीना वैसे भी अच्छा लगता है। एक बार आप हमारे तरीके से, बहुत इजली तरीके से हम चिकन पॉपकॉर्न बनाएंगे, आप लोग भी ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। इसके हम चिकन के छोटे छोटे स्लाइड करेंगे पॉपकॉर्न के, अपने हिसाब से, ज़्यादा छोटे नहीं करेंगे। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वो सिरका डालेंगे जिससे हमारा चिकन काफ़ी खस्ता हो जाएगा, और उसको मैरिनेट करने के लिए हम 15 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे अपना मसाला। उसमें थोड़ा सा डालेंगे जिंजर पाउडर, लहसुन पाउडर, चाट मसाला, काली मिर्च पाउडर, थोड़ी सी शुगर ऐड करेंगे, कस्तूरी लाल मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, इसमें सारे मसाले हमने ऐड कर लिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसाला अंदर तक अच्छे से लग जाए। ये मैदा है, इसमें हम स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। अच्छे से इसे मिला लीजिए। अब इसमें चिकन के पीस डालेंगे। इसको मैदे में अच्छी तरह से मिला लेंगे। फिर इसको अच्छे से झाड़ लेंगे और इसको ठंडे पानी में डालेंगे। फिर इसको हम मैदे में डालेंगे और इसको हल्के हाथों से मसलेंगे ताकि इसमें क्रैम्प आने लगे, ताकि हमारा चिकन पॉपकॉर्न देखने में काफ़ी अच्छा लगे। ये देखिए, इसमें क्रैम्प आ गए हैं। अब हम इसे तेल में डालेंगे। हमारा तेल गर्म हो चुका है। ये देखिए, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे प्लेट में सर्व करेंगे और फिर खाकर ट्राई करेंगे। ये देखिए, हमारे चिकन पॉपकॉर्न तैयार हो गए हैं। देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। इसको हम आपको तोड़कर दिखाएंगे। ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं और बहुत ही टेस्टी हैं। आप इसको मेयोनीज़ के साथ भी खा सकते हैं और चटनी के साथ भी। मुझे चटनी के साथ पसंद है, इसलिए मैंने चटनी ली है। इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़। और इसे फॉलो करिएगा। अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, और शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।